सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गा प्रभजे भुवनेश्वरी। ॐ ऋषिर्वाच देव्याः वेदत्र महासुरेन्द्रे सिंहासुरावन्निपुरोगमसां कात्यायने दोष्टभुरेश्वरावात् विकासि भक्ताश्च विकासिदासः देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो गिरस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरि देवि चराचरस्य आधारभूता जगदस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः सिदासि अपां स्वरूपस्तुतयाद्वयेत आप्यायते कृष्णमलङ्घवीये त्वं वैष्णवी शक्त्यनन्धवीया विश्वस्य वीरं परमाधिमाया सम्मोहितं देवि समासमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समर्था सर्वदेवि वेदः श्रियः समर्थाः सकला जगत्सम् त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् सुदेताव्यपरामलाग्निः सर्वभूताय राजेय सर्वमुक्तिपदायने त्वं सुरासुरे कावाबन्धो परमप्रियः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनध्याहे संसिदे स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमस्ते कराकाशादिरूपेण परिणामप्रदायने विश्वस्योपरदोषज्ञे नारायणि नमस्ते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वाददादिगे शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्ते सृष्टिश्रीविराजानां शक्तिभूते सनातने गुणाशये गुणमये नारायणि नमस्ते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यादिहरे देवि नारायणि नमस्ते हंसयुक्तविमानस्य ब्रह्माणीरोपधारिणि कौशाम्बाचरिके देवि नारायणि नमस्ते त्रिशूलचण्डायिधरे महावृषभवाहिनि माहेश्वरि स्वरूपेण नारायणि नमस्ते मयूरकुक्कुटभृदे महाशक्तिधरे नरे कौमारीरूपसंसारे नारायणि नमस्ते शङ्खचक्रकराचारङ्गिहेतपरमायुधे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणि नमस्ते विहितो गमहाचक्रे दुष्टो दितपसुन्धरे
वराह रूप निर्जल नारायणी नमस्तुते निशिंग रूपेण अग्रेण हंत नित्यांगित धमे त्रैलोक्य दान सहित नारायणी नमस्तुते कीर्तिनी महावज्र सहस्रनयन जले नित्य प्राण हरे चंडी नारायणी नमस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमस्तुते गष्टाकराल भजने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुंड मथने नारायणी नमस्तुते लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये सत्य पुष्टि सदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते वेदे सरस्वती वरे भूति भावविदामसि देते तं प्रसीदे नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एतच्छे वदनं सौम्यं लोचनान्तयभूषितं पातु नः सर्वभेदेभ्यः कात्यायनी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युगमशेषाशोधनम् त्रिशूलं पातु नो भीर्य भद्रकाली नमस्तुते हिनसि दैत्यसेनासि स्वनेनापूरया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुदानिव असुरासिपथा भङ्गे गलाजनः शुभाय खलो भवतो चण्डिकेतानतामयम् रोगान् शेषान् अपहन्सितुष्टा रुष्टा सुकामानविष्टाम् त्वामाश्रितानाम् न पिबन्नरानाम् त्वामाश्रिताया शयताम् वयान्ति एताच्च संयात्कदनाम् दयाच्च धर्मान्दुषाम् देवि महासुराणाम् रूपैरनेकैरबहुधात्मदेम् कृत्वाम् विकेतात् प्रसरोऽधिगान्याम् विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाध्येषु वाक्येषु चकादन्या ममात्वधर्ते महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्को गविशाश्च नागा यत्रारयोगाश्च बलानि यत्र दावानरो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्रासि दादम् परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरित्वम् परिपासि विश्वम् विश्वाग्निगादारयसे विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति वन्दे विश्वाशयाये त्वयि नम्रः देवी प्रसीद परिपालयराजवेद नित्यं यथा सुर्वथा ददुदेव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं ययास उत्पादपाकयनिदाश्रमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वादिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं स्वर्गणा वरं जन्मसे च तं प्रणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्नेश्वरी एवमेव त्वयाकारम् अस्मद्वैरिविनाशनम् देव्योवाच दैवस्य अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुम्भोषम्भेदान्यापुत्पात्स्येदे महासरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदासर्वसम्भवः ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचननिवासने पुनरप्यतिरोक्तेन रूपेण मृतवेतरे अवतीरहणिष्यामि व्यक्तचित्ता सुदानवान् भक्ष्यन्ताशतानुग्रां व्यक्तचित्ता महासुरान् रक्षादन्तावविष्यन्ति दारिमेकुसमापमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मत्यलोके च मानवाः
इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिस से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित्त होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ओम समे शरत काले महापूजा क्रियते याजवाशके
तस्मैतन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वाभागाभिर्मुक्त धनधान्यान् सुतान्विताः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्महात्म्यं तदा चोत्पत्त्याशुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् ऋभुवः संशयं जाति कल्याणं चोपबध्यते नन्द जय च कुलं महात्म मम शैवताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दोषप्रदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म मम उपसर्गः शमं जाति ग्रहपीडास्य दारिणा दुःस्वनम् च निवेदिष्टम् स्वस्वनमुपजायते बालकाविभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातवेदे जनिनाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्ताणाम् शेषाणाम् बलहानीकरम् बलम् रक्षो भूतपिशाचाणाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैतन्मातव्यम् मम सन्निधिकारणम् पशुपुष्पार्घरूपे च गन्धदीपे तदोत्तमे विप्राणाम् भोजने भोगे प्रोक्षणीये अहर्निशम् अन्ये च विविधे भोगे तदानेव स्वरेण प्रीतिर्मे क्रियते सात्मिन् सक्तिर् सोचयिते श्रुते शुकम् हरति पापानि तदारोग्यम् पर्यश्यति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाङ्गेरिणाम् मम युद्धे दुर्जर्तम् जन्मे दुष्टदेत्यानिबर्हणम् कस्मेषु देवैकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिर्तुर्योयाच याच ब्रह्मा स्वीकृता ब्रह्मणा च कृता सातो प्रयच्छन्ति शुवामते अरण्ये प्रान्तरे वाविधावाग्ने परिवारितः दस्युभिर्वाविधाशून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याख्यानिजातो वा वने भावनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्रतो वद्यो वन्दगदपि वा आगुणितो वा भागेन बोधे महानवे पतस्तु चापि शब्देषु सङ्ग्रामे विषदारणे सर्वाभागाशु घोराशु वेदनाव्याजितोऽपि वा शरण्येतच्चैतं नरो मुच्येत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य गोवेरिणा सदा दूरादेव परायन्ते स्मरन्तश्चरितम् मम ऋषिरवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां दत्तेर्भान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्गा स्वाधिकाला यथा पुरा यज्ञवाग्लभुषा सर्वे चक्रविनिहतार्यः देव्याचर्यव्याहृते शुम्भे देवैव यदि जगद्विध्वंसनेतस्मे महोग्रेतलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः वातालमायो एवम् भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूव जगतः परिपालनम् जयतन्मोहते विश्वम् देव विश्वम् प्रसूयते राजाधिराज विज्ञानम् तुष्टारिद्धिम् वयच्छति व्याप्तन्ते सर्वम् ब्रह्माण मनयेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारे सरोपया सेवकाले महामारे सेवसृष्टिमवर्चया स्थितिम् करोमि भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले निहाम् सेवालक्ष्मे वृद्धि पदागृहे सेवाभावे तदा लक्ष्मी विनाशायोपजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे शुभगन्धादिविस्तता तदा विवित्तम् पुत्रा च मदीम् धर्मे गतिम् शुभाम् ॐ अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्दप्रभावेण चण्डीरावः शिवो भवेत् ना कवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् ना सूक्तम् नाभिधानम् च नान्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठमफलम् भवेत् अतिगुह्यकरम् देवी सेवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयनेव पार्वते
मारणं मोहनं वश्यं सम्पन्नोजानिनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्चिका स्तोत्रमोत्तमम् ॐ ऐं ऐं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ग्लौं हुं क्लीं यौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वलहं सं लं सं वत् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिण्ये नमस्ते महिषादने नमस्ते शुम्भहन्ते जाशुम्भासुरगादिने जागृतहि महादेवि शमं सिद्धिं मनुष्यमे हेङ्कारि सृष्टिरूपाय हेङ्कारि प्रतिपादिका हेङ्कारि कामरूपिण्ये विजुरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघादी च जयकारि वरदायिनि विच्चे चावैदा नित्यं नमस्ते मन्दरूपिणि ध्वां ग्लीं ह्रूं ध्वजे पर्णे वां ह्रीं भूं बागदेश्वरी ह्रां ग्लीं ह्रूं बालिका देवी शां श्रीं सोमेश्वरं हुं हुं हुङ्काररूपिण्ये जं 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 भरारिणि ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवीवत्ये भवाने जय नमो नमः अङ्कं चण्डं तं पयं शं बिन्दुं हैं हं शं ध्रियाघ्रं ध्रियाघ्रं त्रोडय त्रोडय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां ह्रीं पुं पार्वती पूर्णा खां ह्रीं घोगे जरे तथा सां ह्रीं क्रों सप्तशतीरेभ्यः मन्त्रसिद्धिं मनुष्यमे इदन्तो कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रजाघ्रति हेतवे अभक्तेरेव साधव्यम् गोपिकं रक्ष पार्वती जस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तजतिं भवेत् न तस्य जायते सिद्धिम् अरण्ये रोदनं यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेदव्यास द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछ कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपदुद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवे दारुकम्बे नमस्ते जगद्व्यापिके देवेश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्वपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते स्वधानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणी दुर्गे अनादस्य दीनस्य तृषणातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तुः त्वमेकागते देवि निस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि गाहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जडे सङ्कटे राजगेहे प्रभाते त्वमेकागते देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि गाहि दुर्गे अपारे महादुस्तरे चान्तघोरे विपत्सागरे वज्रतां देहवाजम् त्वमेकागते देवि निस्तारनौका नमः
से जगत्तारिणीं दाहिदगे नमः चंडिके चंडधोदण्डलीलां समद्गन्धितागण्डराजे जजत्सु त्वमेकागतिर्विघ्नसन्दोहहस्ति नमस्ते जगत्तारिणीं दाहिदगे त्वमेकाधाराधिता सत्यवादी अनेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा किलाचिङ्गलापंशुमना जनारि नमस्ते जगत्तारिणीं दाहिदुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदाते स्वरूपे विभूते सदाङ्गालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणीं दाहिदुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिदनुजवराणां व्याधिभिः पीडितानां विपदे गृहगतानां गच्छुलेशाश्रितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवि नमो वरदे जय Oh,
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ
उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्ध मात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही, जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर, श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। ते सम्मता यण पदेशु धनानी तेषाम तेषाम जशांसि नच सीति धर्म वर्गा धन्यास्त एव निवृतात्म भित्त धारा येषाम सदा भवदा भवति प्रसन्ना। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली माँ आप यण पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं, उन्हीं को धन और जश की प्राप्ति होती है, उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भित्तों के साथ धन्य माने जाते हैं। धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्मानता प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्गम पराजित हो तो भवति प्रसादा लोगो ते फलदा ननु देवी तेन। देवी आपकी कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय मनोवांछित फल देने वाली हैं। दुर्गे स्मिता हर्षि भीति विशेष जंतु स्वस्थे स्मिता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख वैहारणी का तदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणी का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषोदार चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके साथ उसी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने की सहाय दया दिलाता हो। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। वासंतिक नवरात्रों की इस परम पावन संध्याकालीन वेला में वैष्णो दरबार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी भक्तों ने अपने अपने घरों में शाखा रोपण किया है और उसके ऊपर कलश स्थापित करके नारियल को अपनी तरफ जो उसका बुख अपनी तो रख करके जो अखंड दीप प्रज्वलित किया है और अपनी साधना में सभी भक्तजन इन वासंत रातों में तत्पर हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, श्रीमद देवी भागवत का पाठ और गायत्री एवं नवान मंत्र का जप करते हुए भक्तजन अपनी आराधना में अग्रसर हो रहे हैं। शक्ति के साथ इन नवरात्रों में शक्तिधर की भी उपासना की जाती है। जहाँ एक ओर मार्कंडेय पुराण का अध्ययन किया जाता है, पाठ किया जाता है, श्रीमद् देवी भागवत का पाठ किया जाता है, इसी प्रकार रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस तथा
अध्यात्म रामायण का पाठ किया जाता है और ये नवरात्र जो हैं जो राम नवरात्र के नाम से ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्हीं चैत्र नवरात्रों में राम जी का चैत्र नवमी को मध्यान्ह व्यापनी को जन्म हुआ था। इन नवरात्रों में विशेष करके भक्तजन अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कन्या का पूजन करते हैं और आप जानते हैं कि शेरधार जी ने कन्या पूजन करके ही अपनी मनोकामना का पूर्ण किया था अर्थात उनको चार पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। भक्तजन प्रत्येक प्रथम रात्र से एक कन्या दूसरे में दो कन्या इस प्रकार उत्तरोत्तर कन्या की वृद्धि करते हुए जो अंत में नौ कन्या का अथवा सभी कन्याओं का 45 कन्याओं का जो पूजन करते हैं। और आज के दिन भक्तजन विशेष करके माता जी के नौ रूप में माँ कालदाती का ध्यान कर रही हैं। कालदाती जिस प्रकार नाम से प्रसिद्ध है इनका जो रंग है घने अंधकार की तरह काला है, इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके तीन ब्रह्मांड की तरह नेत्र हैं जिनसे जो जो विद्युत की तरह जो चमक रहे हैं। इनके श्वास प्रश्वास से जो अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ है और अपने चार हाथों में जो कांटा खड़ग और दो जो भुजाएं हैं इनकी इनमें अभय मुद्रा और वर मुद्रा धारण किए हुए हैं। आज भक्तजन सहस्रार चक्र में इनकी आराधना करते हैं और अपनी आराधना में अग्रसर होते हैं। इनकी आराधना से भक्तों के सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और किसी प्रकार की जो भूत बाधा जो है वो उनको नहीं बाधती है। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज वासंत नवरात्रों में आज सप्तम नवरात्रों में माता कालदाती का ध्यान करते हुए जो अपनी आराधना को अग्रसर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सप्तमी 1:24 तक थी, तत्पश्चात अष्टमी है और कल अष्टमी 11:42 तक है, तत्पश्चात नवमी है और कल ही पूर्णावती होगी। आपके अनुदान द्वारा विश्व कल्याणार्थ किए जा रहे चंडी महायज्ञ कल 1 पूर्ण आहुति होगी और आप सभी उसमें आहुति देकर के पुण्य के भागी बनेंगे। इन्हीं नवरात्रों में हम भक्ति नहीं देवता भी आराधना करते हैं। स्वयं ब्रह्मा, अति वशिष्ठ जी, शुक्राचार्य जी, इन सभी ने जो नवरात्रों में देवी की आराधना की है। स्वयं शंकर भगवान जी ने त्रिपुरदत्त का वध करने के लिए जो नवरात्रों में उपासना की थी। भगवान विष्णु ने सुमेरु पर्वत मधुदत्त के वध के लिए इसकी आराधना की थी और इंद्र भगवान ने वित्तासुर के वध के लिए इसकी आराधना की थी। विशेष करके राम जी ने इन नवरात्रों में जो दुर्गा माता की आराधना की थी जब सीता हरण हो चुका था और राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन में सीता को ढूंढ रहे थे। भटकते हुए वृक्षों से लताओं से जो पूछते हुए पंचवटी की बेपट लताओ कहाँ गई मम प्रीते, ऐ रहुवर के वाग्य विधाता मैं हारा तुम जीते, इस प्रकार विलाप करते हुए जब वो सीता जी को ढूंढ रहे थे उसी समय वहाँ नारद जी पधारे थे और उनके पूछने पर कि राम आप साधारण मुश्किल चिंतित क्यों हुए, मैं जानता हूं कि इस समय रावण सीता का हरण करके ले गया है परंतु ऐसा करके उसने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है क्योंकि पूर्व काल में जो सीता एक ऋषि की कन्या थी और अपनी यौवनावस्था में वन में तपस्या कर रही थी जिनको ढीठ रावण ने देखा था और अपनी पत्नी बन जाने की कहा था परंतु उसके द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर रावण ने उसके केश पकड़ लिए थे। तब उसने रावण को श्राप देते हुए कहा था कि मैं तेरे स्पर्श से दूषित हुई और अगले जन्म में मैं गर्भ से जन्म ना लेकर तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई सीता जो वही वेदपति कन्या है जिसको रावण जो एक फूल की माला समझ करके गले में धारण किया हुआ है यद्यपि वो नागिन की तरह है। राम सीता बड़ी धर्मपरायण है और वो केवल आपका स्मरण करती हुई लंका में रह रही है। स्वयं इंद्र भगवान ने उनको कामधेनु का दूध पीने के लिए भेजा है जिसको पीकर वो भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। मैंने देवलोक उनको देखा है और इसके लिए कि सीता आपको प्राप्त हो आप नवरात्रों में इनकी आराधना करो। आश्विन नवरात्रों में और वासंत नवरात्रों में विशेष करके इनकी आराधना करो। धूप दीप नैवेद्य से इनकी आराधना करो। पितृ होम की बलि देने पर मातानी प्रसन्न होंगी और निश्चित रूप से आप उनके आशीर्वाद से सीता को वापस लाएंगे। उस समय राम जी के पूछने पर कि महाराज वो देवी कौन है और उस व्रत का विधान क्या है, उस समय राम जी ने बताया कि वही अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति है जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति से संपन्न करके उनसे श्रेष्ठ का सृजन पालन संहार कराती है। आप नवरात्र में एक पीठासन बनाइए, उस पर दुर्गा मूर्ति जो स्थापित कीजिए और धूप दीप नैवेद्य से जो पूजा करते हुए पितृ होम की बलि देते हुए उनकी आराधना कीजिए। इससे निश्चित रूप से मां प्रसन्न होंगी। व्रत उपवास प्राण द्वारा आप इस व्रत को कीजिए और इस व्रत में मैं आपका आचरण बनूंगा क्योंकि
देवताओं का कार्य करने के लिए मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। इस प्रकार अष्टम नवरात्र लगने पर राम जी ने जो किष्किंधा पर्वत पर पीठासन बनाया और दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की। उपवास पर जाते हुए दोनों भाइयों ने धूप दीप नैवेद्य से माता की समाराधना की, पितृ होम की बलि दी और माता जी ने तब अष्टमी की मध्य रात्रि को दोनों भाइयों को दर्शन दिया और कहा कि राम मैं तेरे इस बात से संतुष्ट हूँ, आपके मन में जो भी अभिलषित कामना हो उसको वर के रूप में मांग लो। पूर्व काल में आपने मस्त्र रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया था, वरा रूप धारण कर पृथ्वी का उद्धार किया था, कश्यप रूप धारण करके मंदाचल पर्व को अपने पेट पर धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था, जवदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में आपने ही सत्तावार जो खेतों से पृथ्वी छीन करके ब्राह्मणों को दान दे दी थी और अभी मेरी ही प्रेरणा से आप भगवान विष्णु के अंश से इस अज वंश में जो राम रूप में उत्पन्न हुए हैं और आप रावण का वध करेंगे। ये जो सभी वानर हैं देवताओं का अंश हैं ये आपकी सहायता करेंगे और स्वयं आपके छोटे भाई लक्ष्मण जो शेषनाग का अवतार हैं ये मेघनाथ का वध करेंगे। इस प्रकार माता ने कहा कि राम आप जो अष्टम नवरात्र मेरी आराधना करो, ऐसा वरदान देकर के माता ने कहा कि आप 11,000 वर्ष तक जो पृथ्वी पर राज्य करोगे, रावण का वध करके आप राज्य करोगे और फिर पुनः देवलोक को प्रस्थित होंगे। ऐसा वरदान देकर माता जी अंतर्धान हो गई हैं और राम जी ने शक्ति की प्रेरणा से जो उनका पूजन किया, दशमी को पूजन किया और सेतु बांध करके जो परिवार से रावण का वध किया और सीता को वापस लाया। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भक्ति नहीं जब देवता भी अवतार भी संकट काल में दुर्गा की आराधना करते हैं तो हम तो क्यों नहीं करनी चाहिए, विशेष करके इस कली काल में जब केवल उन्हीं का प्रताप है और नवरात्रों में विशेष महत्व है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज वासंतिक नवरात्रों में कालरात्रि का ध्यान करते हुए माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तीनों महाशक्तियाँ आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान है, अन्यत्र समृद्ध रूप में इनके दर्शन दुर्लभ हैं। अर्थात जहाँ महाकाली जी हैं वहाँ महालक्ष्मी जी नहीं, जहाँ महालक्ष्मी जी हैं वहाँ महासरस्वती, परंतु यहाँ तीनों महाशक्तियाँ संयुक्त रूप से विराजमान हैं। जड़ मूल से एक हैं, इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान करती परिक्रमा करती बैरी हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं चनावत ज्ञान करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति महाराज सूरज चंद्रमा बटुकता प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान निश्चय रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के उच्चारण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के उच्चारण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में सिद्धि मान प्राप्त होता है और क्लीं के उच्चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इस इनवार मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे विच्चे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जी दा गुण सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, परंतु विशेष करके नवरात्रों में अधिक से अधिक करें, क्योंकि अधिक से अधिकम फलम अधिका अधिक फल प्राप्त होगा। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहे। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय
जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा जय माता दी जय माता दी जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी कर दाजा चिंतपूर्णी माता रानी चिंता दूर कर दिए अपने सच्चे भगतां दी झोली विच खुशियां भर दिए अपने सच्चे भगतां दी झोली विच खुशियां भर दिए अपने सच्चे भगतां दी झोली विच खुशियां भर दिए ओ मिलके बोलो जय माता दी जज के बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी चढ़ा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा नैना देवी मैया जी नैना विच जितते बसदी है हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दूर उस तो नसदी हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दूर उस तो नसदी हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दूर उस तो नसदी ओ सारे बोलो जय माता दी हाँ मिलके बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा ओ पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा कांगड़ वाली दाती दे संग जो भी भगत प्यार करे मेहर करे मेरी अम्बे माते उसका बेड़ा पार करे मेहर करे माए अम्बे माते उसका बेड़ा पार करे मेहर करे मेरी अम्बे माते उसका बेड़ा पार करे हो छोटे बोलो हो बड़े बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा मनसा देवी माता दे जेड़ा प्राणी गुण गांदा है मनसा पूरी होवे उस दी कष्ट दूर हो जांदा है मनसा पूरी होवे उस दी कष्ट दूर हो जांदा है मनसा पूरी होवे उस दी कष्ट दूर हो जांदा है ओ सबे बोलो जय माता दी हो मिलके बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा जय माता दी करदा जा पौड़ी पौड़ी चढ़ा जा
जय माता दी करवा जा। जोत वाली ज्वाला जी मां जिस कर उते मेहर करे, रात मुकावे दुखां दी ते सुखां परी सवेर करे। रात मुकावे दुखां दी ते सुखां परी सवेर करे। रात मुकावे दुखां दी ते सुखां परी सवेर करे। ओ सारे बोलो जय माता दी, मूं नहीं हो थकदा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। वैष्णो देवी माता दे मंदरां ते चंडे झुलदे ने, माता दी जो शरण च आवे पग उस दे खुलदे ने। माता दी जो शरण च आए पग उस दे खुलदे ने। माता दी जो शरण च आए पग उस दे खुलदे ने। ओ छोटे बोलो जय माता दी, बड़े बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। वैष्णो देवी जगत श्री जननी जे द्वारे जो आंदा है, मिले शांति उसनु ओदा जन्म सफल हो जांदा है। मिले शांति उसनु उसदा जगत सफल हो जांदा है। मिले शांति उसनु ओदा जन्म सफल हो जांदा है। ओ सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। शेरां वाली दे पवना बिच पैदल चल के आवा मैं, ध्वजा नारियल पान सुपारी श्रद्धा नाल चढ़ावा मैं। ध्वजा नारियल पान सुपारी श्रद्धा नाल चढ़ावा मैं। ध्वजा नारियल पान सुपारी श्रद्धा नाल चढ़ावा मैं। हो अगले बोलो जय माता दी, हाँ पिछले बोलो जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा। आ रही माता दे दरबार से संगता आ रही, आ रही दरबार से संगता आ रही। आ पहुंचे दरबार में अज तेरे, आ पहुंचे, आ पहुंचे आप दरबार में अज तेरे, आ पहुंचे, आ पहुंचे आ पहुंचे दरबार में अज तेरे, आ पहुंचे, आ पहुंचे आ पहुंचे दरबार में अज तेरे, आ पहुंचे। आवांगे आवांगे हर साल में अज तेरे, आवांगे 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 हर साल में अज तेरे, आवांगे आवांगे हर साल में अज तेरे, आवांगे।
एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार जी। जयकारा श्री राम वाली दा सच्चे दरबार की जय। स्वर्ग तू सोना मां तेरा द्वारा भगता नु लगदा प्यारा पवन फुला दे नाल मां सच्चिया दर ते सोना माए मेला लगया दर ते सोना माए पवन फुलां दे नाले सजिया 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 पवन फुलां दे दर से पारी मेला लगया दर से पारी मेला लगया मां दर से पारी मेला लगया दर से पारी हो मेला लगया ओ पता नहीं केड़ी केड़ी था तो पता नहीं केड़ी केड़ी था तो पता नहीं केड़ी बड़िया रौनक लगिया मैं अज तेरे मंदरा ते बड़िया रौनक लगिया मैं अज तेरे मंदरा ते पवन फुलां दे नाल सजिया पवन फुलां दे नाल सजिया उधर से पारी मेला लगिया लगया ओ पता नहीं केड़ी केड़ी था तो 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 पर आईया कटिया मैं अज तेरे मंदरा तो अज बड़िया रौनक ओ अज बड़िया रौनक ओ अज बड़िया रौनक लगिया मैं अज तेरे मंदरा ते बड़िया रौनक लगिया मैं अज बड़िया रौनक लगिया मैं अज तेरे मंदरा नचते नचते दर ते आउंदे बोलन भगत जकारे बोलन भगत जकारे बोलन भगत जकारे नचते दरते आंदे बोलन भगत जकारे बोलन भगत जकारे बोलन भगत जकारे उस
सच्ची तेरी जोत दसंदे दूर दूर निशकारे दूर दूर निशकारे दूर दूर निशकारे सच्ची तेरी जोत दे पंदे दूर दूर लिशकारे दूर दूर लिशकारे दूर दूर लिशकारे ओ रंग बिरंगिया चमकन वालियां रंग बिरंगिया चमकन वालियां रंग बिरंगिया चमकन वालियां रंग बिरंगिया चमकन वालियां लड़ियां भी मैं लटियां मैं आज तेरे मंदरा जाओ बढ़िया रौनका जाओ 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 बढ़िया रौनका कर रहे हैं श्री यशपाल जी।
जयकारा शेरोवाली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरा द्वारा जग से प्यारा अम्बे रानी, तेरा द्वारा जग से प्यारा अम्बे रानी, हो तेरा द्वारा जग से प्यारा अम्बे रानी, तेरा द्वारा जग से प्यारा अम्बे रानी, हो भक्तों को जान से भी प्यारा अम्बे रानी, ओ भक्तों को जान से भी प्यारा अम्बे रानी, ओ भक्तों को जान से भी प्यारा अम्बे रानी, भक्तों को जान से भी प्यारा अम्बे रानी, ओ जब जब भी बुलावा तेरा आता भगत तेरा अम्बे रानी, भी बुलावा तेरा आता भगत तेरा अम्बे रानी, ओ जहाँ जैसा भी है दौड़ा चलाया ता भगत तेरा अम्बे रानी, ओ जहाँ जैसा भी है दौड़ा चलाया ता भगत तेरा अम्बे रानी, ओ माँ अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, ओ माँ अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, ओ अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, ओ माँ सबकी मुरादे पूरी दर से ही होती माँ, जग को उजाला बांटे जगमग ज्योति माँ, जग को उजाला बांटे जगमग ज्योति माँ, जग को उजाला बांटे जगमग ज्योति माँ, ओ सबकी मुरादे पूरी दर से ही होती माँ, जग को उजाला बांटे जगमग ज्योति माँ, जग को उजाला बांटे जगमग ज्योति माँ, जग को उजाला बांटे जगमग ज्योति माँ, सारे जग में है ओ सारे जग में है, ओ सारे जग में है धूम मची माता भगत तेरा अम्बे रानी, सारे जग में है धूम मची माता भगत तेरा अम्बे रानी, जहाँ जैसा भी है दौड़ा चलाया था भगत तेरा अम्बे रानी, जहाँ जैसा भी है दौड़ा चलाया था भगत तेरा अम्बे रानी, ओ माँ अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, 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 माँ अम्बे रानी अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, माँ अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, माँ अम्बे रानी माँ अम्बे रानी, जयकारा शेरोवाली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। ओम सिंहस्था शशि शेखरा मरकत रक्षे चतुर्भिर्भुजे शंखं चक्रधनुशरांश दधति नेत्रे स्थिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गदहार कङ्कणरणत् काञ्चीरनन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनका विशेष करके वासंतिक नवरात्रों में माता जी के नौ रूपों में सातवें रूप माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए जो सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यद्यपि इनका रूप बड़ा भयानक है परंतु ये भक्तों को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शुभ फल देने वाली है, इसलिए इनको शुभंकरी भी कहते हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में इस पवित्र वेला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रा वसवा समिन्धतान पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यद्नेहि कृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जजमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशो अस्तु मित्राणाम् उदयस्तव चिर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं वपुत्रलाभं शत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी की आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर माता जी की आरती लिखी है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी भैया जी को निजलिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी माग सिंदूर विराज जी को मृग वध को, भैया जी को मृग वध को, ओ जल से दो नैना, ओ जल से दो नैना, समान कलेव रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंकण पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल चोरी, दाता के मोती मैया नाता के मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, अमराजक ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विदार मई चातुर घाती, मैया मई चातुर घाती, धूम्रविलोचन नैना, धूम्रविलोचन नैना, दिन मधुमाधी। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहार शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, मधु कैटव दो मारे, दुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी, मैया तुम कमलारानी, शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी चौसठ योगिनी गाव नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित परम
भैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवाचित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामा गौरी भैया जय मंगल जय आनंद करनी तुमको निज दिन ध्यावत मैया जी को निज दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਮਾ ਕਰੋ ਅਪਰਾਧ ਚਰਨ ਮਾਇਆ ਹੂੰ ਕਮਾ ਕਰੋ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਰਨ ਮਾਇਆ ਹੂੰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਮਛੀ ਛੁਕਾਇਆ ਹੂੰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰ ਮਛੀ ਛੁਕਾਇਆ के सब संकट तारे के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कै डब मारे रक्त बीज मधु कै डब मारे शुंभन शुंभ असुर संहारे शुंभन शुंभ असुर संहारे किया भक्त कल्याण शरण माया किया भक्त कल्याण शरण माया बालकपन खेलों में गवाया बालकपन खेलों में गवाया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ चरण माया जीवन सफल बनाओ शरण माया धन यौवन का साथ नहीं है धन यौवन का साथ नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नाम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया हूँ मार्ग मुझको न सुहाते धर्म मार्ग मुझको न सुहाते सदा कुमारग मुझको भाते सदा कुमारग मुझको भाते मन चंचल तेरा ध्यान न करता मन चंचल तेरा ध्यान न करता बड़ा जबल नादान शरण माया बड़ा जबल नादान शरण माया घर बाहर से हूँ ठुकराया घर बाहर से हूँ ठुकराया विषयों में भटका घबराया विषयों में भटका घबराया हमें गवा कर मैं पछताया हमें गवा कर मैं पछताया विषय सर्प मन दशा चरण माया विषय सर्प मन दशा चरण माया हूँ क्षमा करो अपराध चरण माया क्षमा करो अपराध शरण माया माँ विपदा ने मुझे है घेरा माँ विपदा ने मुझे है घेरा बिन तेरे अब कोई न मेरा बिन तेरे अब कोई नहीं मेरा दीन बंधु माँ नाम है तेरा दीन बंधु माँ नाम है तेरा करो सफल निज नाम शरण माया हूँ करो सफल निज नाम शरण माया हूँ क्षमा करो अपराध चरण माया हूँ क्षमा करो अपराध शरण माया हूँ भेदा
भेंटा कुछ नहीं लाया, पूजा भेंटा कुछ नहीं लाया, मंत्र जंत्र गुरु ज्ञान बुलाया, मंत्र यंत्र गुरु ज्ञान बुलाया, पाप भार से शीश झुकाया, पाप भार से शीश झुकाया, माता कर कल्याण चरण माया, माता कर कल्याण चरण माया, क्षमा करो अपराध चरण माया, क्षमा करो अपराध चरण माया, भक्तों को तुमने तारा, वहाँ भक्तों को तुमने तारा, पुत्र सारथ रथ न्यारा, नायक पुत्र सारथ रथ न्यारा, पुत्रक पुत्र जगत में होते, पुत्रक पुत्र जगत में होते, माता देखे उन्हें न रोते, माता देखे उन्हें न रोते, वैष्णो कर कल्याण चरण माया, वैष्णो कर कल्याण चरण माया, क्षमा करो अपराध चरण माया, क्षमा करो अपराध चरण माया, माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया, माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया, वाली माता तेरी सदा, जयकार शेर वाली जीदा, और सच्चे दरबार की जय, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, निद्रारूपेण संस्थिता, निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, क्षुधारूपेण संस्थिता, क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, श्रद्धारूपेण संस्थिता, श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, मातृरूपेण संस्थिता, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमस्तस्य, नमस्तस्य नमो नमः, नमस्तस्य नमो नमः, सच्चियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा, जय कर शेरां वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। वे इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता की आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोल लो माता दी, ताल मिल बोलो जय माता दी, आहोय वेला जय माता दी, संध्या वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट मिटांदी जय माता दी, मेरा कर दी जय माता दी, ढोलियां भर दी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, सोलह आने जय माता दी, गोदा भर दी जय माता दी, वीर देंदी जय माता दी, नार देंदी जय माता दी, गाने सुनिया जय माता दी, उच्ची बोलो जय माता दी, हाथ भी खोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलियां वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चूड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदिरा वाली जय माता दी, झंडिया वाली जय माता दी, घंटिया वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता
वाली शेरा वाली बड़ी गुफा वाली आठ वाली जक रानी महारानी चंडी रानी वैष्णो देवी माँ महाकाली खप्पर वाली माँ शक्ति गंदी लक्ष्मी मैया घर की द्वारे हरे खजाने ये सोलह आने सरस्वती माँ हंस स्वारी माँ विद्या दंदी माँ ज्ञान दंदी बुद्धि दंदी भक्ति दंदी जय जय अम्बे 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 जय माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि सर्व मंगल मंगल्ये सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे परित्राण परायणे सर्वस्यार्थि हरे देवी सर्वस्यार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वावाधा प्रशमनम सर्वावाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ओम शांति। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरुजी को वंदना
कल्याण मैं आठ पैर जो सजगरी यो चरण का ध्यान दे
ਸੰਖੰ ਸਵਰਦੀ ਕਰੇ ਤਿਨੈਨੰ मनोकामना पूर्ण हो बोल सच्चे आज सातवां नराता भी हो गया महाकाली का जो रूप है आज सातवां नराता आत्मा भी आ गया सातवां हाथ जोड़ के आत्मा भी आ गया वो तो इससे पूरी ताकत लगा के बोलना है बोल सच्चे बोल सच्चे बोल सच्चे ਚੱਕਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ
تھک گئے, ایسے لگ رہا ہے تھک گئے, لیکن چہرے سے کسی کے نہیں لگ رہا. سچ میں سب ایسے کھلے کھلے چہرے, ایسے لگ رہا بہت آنند لیا آپ نے آرتی کا. سبھی نے آرتی کا آنند لیا, آہا ایسے ہی وہ لگ رہا ہے, لیکن آواز میں تھکاوٹ سی لگ رہی ہے. آج ماں سے کچھ اور مانگتا ماں وہ بھی دے دیتی, اس نے چھوٹی سی بات مانگنے سے ہی چھٹی کرا دی. آج میرا من تھا جب صبح آرتی کی, میں نے کہا آج بھگوتی ماتا رانی جی سے بڑے پجاری جی کے روپ میں آپ کو آشیرواد دینا ہے, کہ پورا جیسے وہ دیتے ہیں نا, جیسے ابھی آپ نے بولا ویسے ان کی حاضری لگانی ہے آپ کے بیچ میں, ان کو یاد کرتے ہوئے آپ سب کو آشیرواد دینا ہے. لیکن دیکھو جگت جننی ماتا رانی, اس نے ان کو ساکشا جہاں بلا لیا آپ کو خود ہی آشیرواد دینے کے لیے, تو جو اس نے تو جلدی جلدی میں ہی ٹال دیا. اتنا کچھ اور مانگتے ہیں, لیکن خیر بات دل کی ہے چھوٹی ہو, لیکن جب ماں پوری کرتی ہے بہت اچھی لگتی ہے, تب یقین ہوتا ہے کہ ماں ماں ہے. آج آپ نے نوراتروں کے دن جہاں پر ماتا رانی جی کے چرنوں میں بیٹھ کے ستسنگ کیا تپ کیا, آج مہاکال راتری ماتا جی کا روپ ہے, ان کے بھی درشن ہیں بھگوتی ماتا رانی جی. جتنے پیار سے آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ماں سے ملنے کا, اتنی ہی بے صبری سے ماتا رانی جی آپ سے ملنے کا انتظار کر رہی ہیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں انتظار کر رہی ہے. آپ جلدی جلدی جائیے گا, لیکن میں آج ماتا مہاکال راتری ماں جی سے یہی پرارتھنا کرتا ہوں, ماتا جی کے اس روپ کو یہ پرارتھنا کرتا ہوں کہ جگت جننی ماتا رانی جی کوئی بھی بری بلا جو ہماری گھروں میں ہمارے من کے اندر ہمارے تن کے اندر بیماری کے روپ میں چاہے ہو, جگت جننی ماں آپ کے آشیرواد سے وہ دور ہو. کتنا سے بڑا بھی سنکٹ ہو ماں, تیرا نام لینے سے تیرے کو یاد کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں. ہم تو اسی وشواس کے ساتھ ماں آپ کے پاس آئے ہیں. میں نے صبح بھی بولا تھا, میں ابھی پھر بول رہا ہوں, ماں میری یہی پرارتھنا ہے میرے بھارت ورش کے جتنے بھی نوجوان ہیں, جو بچے اگر بری سنگتوں میں بری عیب میں چلے گئے ہیں جگت جننی, ان کے اندر جو بری پرویتیاں گس گئی ہیں, ہے کال راتری مہا ماں آپ کا نام آپ کو یاد لینے سے ہی, ان کی تھوڑی سی کوشش چھوڑنے سے ماں ان کو آپ ایسا آشیرواد دینا کہ ان کی جی عادتیں ان کے شریر کو چھوڑتے ہوئے جو ان کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں جگت جننی وہ باہر آ جائیں, اور اب ماں تیرے بچوں کی طرح پورا ہندوستان ایسے لہ لہا گئے وہ بھی بچے جیئیں اتنے کہ جیسے ہم سبھی بے عیب ہو کے ماں کا گنگان لیتے ہیں. ہمارے پورے بھارت ورش میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں جگت جننی اگر کہیں شترو بیٹھے ہیں تو جگت جننی ماں تو ہی رکشا کرنا, آپ رکشا کرتی آئی ہو رکشا کرتی رہو گی, یہ ہمارا وشواس ہے. جگت جننی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو تیرے دربار میں یہی ابھی لاشا لے کے آئے ہیں کہ ماں ملے گی, ماں ملے گی دربار میں ہمارے کشٹ دور کرے گی, جو ہمارے اچھے اچھے سپنے ہیں جگت جننی وہ پورے کرے گی. اسی پرارتھنا کو ساتھ ہم سبھی ماں کال راتری جگت جننی ویشنو ماتا جی کالی ماتا جی ویشنو ماتا جی سرسوتی جی کو یاد کرتے ہوئے 2 منٹ کے لیے
मां से प्रार्थना करेंगे। ऐसी धरते भिखारी मायनी हाथ जोड़ खड़े, क्या कर सकते हैं हम, यही कर सकते हैं माँ, आपके दर पे बैठ के आपके आगे हाथ जोड़ सकते हैं, विनती कर सकते हैं। ये अभिलाषा की कभी ना कभी माँ तुम हमें गोदी में बिठाएगी, माँ का प्यार देगी, हमारी इच्छाएं पूरी करेगी। ऐसी दर्दे भिखारी मायनी हाथ जोड़ खड़े, तेरे चरनांच मिल जाए था मायनी हाथ जोड़ खड़े, तेरे भवना दे बिच बिच मां सोहानी तेरी जोत जगे, सोहानी तेरी जोत जगे, तेरे शेर दी सवारी मेरी मां सैनू बड़ी प्यारी लगे, ओ सैनू बड़ी प्यारी लगे, लेके शरदा दे फूल कलिया, क्या लेके आए अम्मा, यही श्रद्धा यही विश्वास, लेके शरदा दे फूल कलिया मायनी असी दौड़ खड़े, असी दर दे भिखारी मायनी साढ़े नैना दे बिच बिच तू कानू हंजू भरे, साढ़े नैना दे बिच बिच तू कानू हंजू परे, लेके दर्शना दी प्यास है मां तू रहनिए परे परे, साड़ी फड़के बिठा ले बां, यही इच्छा है मां, अब हमारी बां पढ़ लो, बिठा लो अपने पास झोली में बिठा लो मां, इससे ज्यादा इच्छा हमारी कुछ नहीं है। आप सामने हो, हम आपके सामने चरणों में बैठे हो, मां तेरा गुणगान कर रहे हैं, तेरे को मना रहे हैं, तेरे को रिझा रहे हैं, लेकिन जगे जननी आप हमारे दिल में रहना। साड़ी फड़ ले साड़ी फड़ के तू साड़ी मायनी हाथ जोड़ खड़े, असी धर दे भिखारी मायनी हाथ जोड़ खड़े। जगे जननी यही हाथ जो हम आके आगे जोड़ते हैं, ये जो सर तेरे चरणों में झुकाते हैं, इसको सलामत रखना, हमारा जो विश्वास माँ जगत जननी आपके प्रति है कि आप सबकी झोलियां भरती हो, जो भी तेरे दर पे आया उसकी हर इच्छा पूरी करती हो, और जो विश्वास आपका हम पर है अपने बच्चों पर कि आप सभी हम सभी अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, अपने घरों का नाम रोशन करेंगे, अपने देश की तरक्की की ओर बढ़ेंगे, वो विश्वास आप भी मां का कभी मत तोड़ना। जो हमसे बन पड़ा मां हमने वो किया, लेकिन एक ही प्रार्थना के साथ जगत जननी अपना बरदहस्त हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे पूरे कुटुंब पर, हमारे दोस्त मित्रों पर, और सबसे बड़ी श्रद्धा हे मां हमारे पूरे भारत वर्ष पर, ऐसे ही तेरी कृपा बनी रहे। सभी मिलके और जोर से
पूरी लहर के साथ जैसे हवा का झोंका माँ से आशीर्वाद लेता हुआ चलता है। आज आप जयकारा जहां बोलोगे कल अपने घर से बोलोगे। आज पहचान बना लो अपनी माँ के साथ अपनी आवाज की, ताकि कल जब घर से माँ को पुकारोगे तो माँ जान जाएगी कि कौन उसको याद करे। गली गली से आवाज आएगी माँ के जयकारे की जब आरती हो रही हो। आपको यकीन मानिए, आपको सभी ने रामायण पढ़ी होगी। जब लंका जल रही थी, हनुमान जी ऊपर जा रहे थे, राम जी का नाम एक ही घर से आ रहा था, सभी जानते हैं वो विष्ण जी का। वो उनके घर में गए, किसी और के घर में नहीं गए। इसलिए मालूम नहीं है जग जननी कहां कहां से भ्रमण कर रही है। अगर आपके घर से उसको आवाज आई और वो आवाज आपकी पहचान वाली माँ की होगी तो माँ आपके घर में भी बसेरा डालेगी, आपको भी आशीर्वाद दे के जाएगी पूरी हवा की लहर के साथ। हाथ ऊपर करके, ताकि हमारे हाथों की लकीरें जो माँ, अगर इसमें भविष्य में कुछ गड़बड़ है तो माँ वो त्रुटियां दूर करना, वो रेखाएं हमारी जो है भविष्य की सफल करना। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ी सी और कोशिश की जा सकती है, हवा की लहर ऐसे। बोलो सच्चे दरबार की। बोलो सच्चे दरबार की। जय माता दी। आशीर्वाद, आनंद में रहे, खुशियों के साथ फिर भगवती माता रानी जी के दरबार में आप सबको माँ जगजननी बुलाए। जय माता दी, जय माता दी।